चलो थिम्पू शहर तो आपको दिखा दिया, अब बारी है पुनाखा एंड पारो की। थिम्पू से पुनाखा का डिस्टेंस है अराउंड 72 किलोमीटर्स, विच इज एट अप्रॉक्स 3 आवर्स ड्राइव फ्रॉम थिम्पू सिटी। थिम्पू से पुनाखा जाते हुए ऑन द वे यू कैन नॉट मिस टू विजिट दिस ब्यूटिफुल प्लेस एंड दैट इज डोचुला पास। My God, you can see the climate behind me. It's probably crazy. It's making me crazy, yaar. मेरे पीछे देखो यार, यहाँ पे ऐसा लग रहा है अभी बारिश आ जाएगी, and it's so freaking cold. यहाँ आपको दिखेंगे 108 स्तूपास या मेमोरियल चोटन्स जिनको बनाया गया था इन द मेमोरी ऑफ 108 सोल्जर्स जो 2003 के मिलिट्री ऑपरेशन में शहीद हुए थे। डोचुला पास इज द हाईएस्ट पास बिटवीन थिम्पू एंड पुनाखा एंड विच इज एट अ हाइट ऑफ अराउंड 3100 मीटर्स। यहाँ का वेदर थोड़ा क्लाउडी था, लेकिन ऑन अ क्लियर डे यू कैन विटनेस द स्प्लेंडेड व्यू ऑफ स्नो कवर्ड हिमालयस फ्रॉम हियर। फाइनली पुनाखा पहुंचते ही सबसे पहले आवर प्लान वाज टू गो फॉर व्हाइट वाटर राफ्टिंग एट द मोचू रिवर। दिस वाज माय फर्स्ट एवर राफ्टिंग एक्सपीरियंस। राफ्टिंग का कॉस्ट है अप्रॉक्स 1500 पर पर्सन। आई कुडंट टेक माय कैमरा टू शूट द वीडियो, बट यस हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लिए हैं जिसने इस मोमेंट को यादगार बना दिया। नेक्स्ट हम पहुंचे एट द पुनाखा ज़ोंग। ये ज़ोंग आता है एट द कॉन्फ्लुएंस और मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रिवर्स, द मेल रिवर बीइंग मोचू एंड द फीमेल रिवर बीइंग पोचू। तो यहाँ की एंट्री फीस है अप्रॉक्स 300 रुपीस। गाइड की रिक्वेस्ट जरूर करें, विच इज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री विथ योर टिकट, एंड यस दैट पर्सन कैन ऑल्सो गिव यू कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट प्लेस। सो दिस इज पुनाखा ज़ोंग। सो ज़ोंग मीन्स इज अ फोर्ट्रेस। सो इनसाइड दिस फोर्ट्रेस देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड अ स्पिरिचुअल पार्ट। सो इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एंड इन द स्पिरिचुअल पार्ट देयर इज अ मेन टेंपल, सो यू कैन विजिट दैट द मेन टेंपल। And inside, you are not allowed to make a video, so you can click a picture, still picture you can take. And inside, you have to maintain silence. Inside, you are not allowed to wear a hat, to take off your hat, and also the specs. If you want, you can wear it, don't keep on the hat. यहाँ पे
जोंग का मतलब होता है फोर्ट। अभी भूटान का कैपिटल है थिम्पू, पर पहले पुनाखा भूटान का कैपिटल हुआ करता था। अंदर एक टेम्पल है जहाँ हर रॉयल सेरेमनी या हर किंग फैमिली की सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है, जैसे कॉरोनेशन या नेमिंग सेरेमनी, रॉयल वेडिंग। इसलिए पुनाखा जोंग भूटान का सबसे इम्पोर्टेंट जोंग है। इन केस ऑफ अ वॉर, दिस जोंग एक्ट्स लाइक अ फोर्ट और अ फोर्ट्रेस, बट नाउ इट इज ट्रीटेड लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटिव और मोनेस्टिक कैपिटल। विंटर्स में जितने भी मॉन्ग्स होते हैं वो पुनाखा जोंग में आके रहते हैं, सिंस इट टर्न्स इट एज अ मोनेस्टिक कैपिटल, बट समर्स में दे स्टे इन थिम्पू। तो जोंग के बाद हम पहुंचे एट द नेक्स्ट फेमस डेस्टिनेशन ऑफ पुनाखा, एंड दैट वाज द सस्पेंशन ब्रिज, जो भूटान का सबसे बड़ा वॉकिंग सस्पेंशन ब्रिज है। एंड यस, दिस ब्रिज इज बिल्ट ऑन द मोचू रिवर। एक्चुअली ना इस पे चढ़ने को डर लग रहा है, बिकॉज इट्स शेकिंग लिटरली एज आई एम वॉकिंग ऑन इट, बट यू आर रियली, द एक्सपीरियंस इज रियली गुड, एंड आई डोंट नो हाउ डू पीपल कम टू एंड फ्रो फ्रॉम दिस ब्रिज। इट्स रियली स्केरी, बट इट्स रियली एडवेंचरस। सो नेक्स्ट डे सुबह सुबह गणपति जी का नाम लेकर हम निकल पड़े टुवर्ड्स द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस एंड सिटी इन भूटान, एंड दैट इज पारो। भूटान में हर सिटी एंटर करते वक्त आपको ऐसे गेट्स दिखेंगे, दिस इज एक्चुअली टू वेलकम द पीपल कमिंग इनटू द सिटी। पारो सिटी इज ऑल अबाउट ब्यूटिफुल माउंटेन्स, रिवर्स, हिस्टोरिक प्लेसेस, सेक्रेड साइट्स एंड मच मोर। सबसे पहले वी चेक्ड इन टू आवर होटल। मेरे रूम की बालकनी से जो नज़ारा था, अब क्या कहूँ, इट वॉज सीरीन एंड ब्यूटिफुल। ओके, देन नाउ वी आर लीविंग फॉर आवर फर्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एंड वी आर गोइंग टू सी द व्यू ऑफ पारो एयरपोर्ट फर्स्ट। तो भूटान में आपको सिर्फ पारो में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलेगा। इस एयरपोर्ट की खासियत ये है कि इसके एग्जैक्ट साइड से नदी बहती है, प्लस ये ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। कहते हैं कि यहाँ फ्लाइट लैंड करना काफी मुश्किल है बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर, एंड कुछ स्पेशल पायलट्स ही इसके लिए ट्रेन किए गए हैं। नेक्स्ट हम जा रहे थे एट द छेलेला पास, विच इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट पॉइंट इन भूटान एट अ हाइट ऑफ 13,000 फीट। अब तो ये सीजन पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ रिवर्स या वाटरफॉल्स देखने मिलेंगे, और एल्स ऑन अ क्लियर डे यू कैन ऑल्सो विटनेस द स्पेक्टेकुलर व्यू ऑफ माउंट जुमुलहारी, विच इज एट अ हाइट ऑफ 22,000 फीट। ऑल्सो सी द भूटान चाइना बॉर्डर फ्रॉम दिस प्लेस। वी आर ऑलमोस्ट लाइक 4,000 मीटर्स अबव सी लेवल। दिस प्लेस ही टोल्ड मी इट्स चेलेला हाई पॉइंट ऑन दंतक रोड। ओह माय गॉड, This is freaking cold. मेरे आँख से पानी बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। यहाँ पे स्नोफॉल भी हो रहा है और साथ में बारिश भी हो रही है। If you see behind me, look at this. Isn't that amazing? Good morning, everyone. And today we are going to the main पॉइंट ऑफ भूटान, उसको बोलते हैं टाइगर्स नेस्ट। एंड यहाँ पे आई सीरियसली टेल यू, क्लाइमेट चेंजेस इतने फ्रीक्वेंटली होता है। कल शाम को बारिश थी, बहुत ठंड थी, अभी धूप है, अभी शाम को वापस बारिश हो जाएगी, नेवर नो। तो आज का पॉइंट जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर ट्रेजेडी ये है कि हमें 5 किलोमीटर्स ऊपर चढ़ के जाना है एंड 5 किलोमीटर्स नीचे उतर के आना है। सो आई रियली डोंट नो क्या होने वाला है मेरा, बट आई एम एक्साइटेड टू गो बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मेन पॉइंट विच यू शुड विजिट वेन यू कम टू भूटान, एंड इट्स इन पारो। तो चलो बस रेडी है,
बहादुर भी रेडी है. अच्छा बहादुर इज आर टूर गाइड सो ही विल बी कमिंग विथ अस. एंड उसने कल ही बोला था यार कल सुबह जल्दी उठना जाना है वहाँ पे. चलो तो चलिए लेट्स गो टू टाइगर्स नेस्ट. Mama ready? Are you ready? Yes. Okay. So this place is almost at a height of 3,100 meters. Tiger's Nest is attributed to Guru Padmasambhava, who meditated here in the 8th century. He got Buddhism in Bhutan and was also known as Guru Rinpoche. Guru Rinpoche was carried from Tibet to this location on the back of a tigress, thus naming this place as Tiger's Nest. टाइगर्स नेस्ट को तकसंग मॉनेस्ट्री भी कहते हैं. We need to go there. सोचा था कि रास्ता थोड़ा सिंपल होगा बट जैसे ट्रैक स्टार्ट हुआ इट वॉज नॉट दैट ईजी. बट येस डेफिनेटली एक बात तो पता थी कि इतनी मेहनत लेके ऊपर जा रहे हैं देन इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी ब्यूटिफुल अप देयर. सो फ्रेंड्स लेट मी टेल यू द ओनली वे टू रीच दिस प्लेस इज बाय ट्रैकिंग. ऊपर जाने के लिए वन वे आप घोड़ा भी रेंट कर सकते हैं बट ये आपको आधे रास्ते ही छोड़ेंगे. वहां से ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे आपको आगे चलकर जाना पड़ेगा टू रीच द टेम्पल. द चार्जेस टू रेंट अ हॉर्स विल बी अप्रोक्स 900 रुपीज. जो हालत खराब हुई है ना ये झटके सीरियसली इट्स टेकिंग माय लाइफ नाउ. हाउ आर यू फीलिंग? वेरी बैड, वेरी एग्जॉस्टेड बट आई एम श्योर वी विल फील गुड व्हेन वंस वी रीच अप. आई एम श्योर. फाइनली वी रीच. फिर भी बहुत दूर है यार यहाँ से. वू कैन यू सी दिस? दिस इज ब्यूटिफुल. ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है. Finally done visiting this place. So sorry I could not show you from inside because you have to keep all your belongings including your purse, your watches, your mobile. Everything should be kept in the locker here and then you're allowed inside. And if you try to get your mobile or camera inside there are CCTV cameras and if they catch you shooting anything inside they will take your camera or phone with them. So you cannot take that risk of taking your camera and phone inside. But yes, this place is worth visiting. I know you have to be a little patient and you have to walk a lot to reach this place. We walked almost 5 kilometers, that too on a mountain, but it was worth. It was really worth and I'm very happy that I'm here today. So if you're visiting Bhutan, what you have to visit now is Tiger's Nest. So friends, this was my Bhutan journey जहाँ मैंने आपको बताए 3 cities, Thimphu, Punakha and Paro. अगर आपने थिम्पू का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए. इट्स लाइव ऑन माय चैनल. प्लस उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है. फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. होप यू हैव लाइक्ड इट एंड इफ यू डिड देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. एंड यस आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं. लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. सो आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.